अपने जमाने की एक बेहद मशहूर अदाकारा मेकअप रूम में तैयार हो रही थी। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने पूछा, कौन? दरवाजा खटखटाने वाले शख्स ने अपना नाम बताया। अभिनेत्री ने फिर पूछा, कौन? आगंतुक ने दोबारा अपना नाम बताया, साथ में कुछ और जानकारी भी जोड़ी। बताया कि अभिनेत्री ने पिछले रात उसके साथ बिताई थी। अभिनेत्री ने लापरवाही भरे अंदाज में कहा, रात गई बात गई। हम ये बात कर रहे हैं मीना कुमारी के बारे में। मीना के बारे में कहा जाता है कि वो नाइम्फोमैनिक थी, यानी कि ऐसी महिला जिसका अपनी यौन इच्छाओं पर काबू नहीं था। वो अपनी पसंदीदा ब्रांडी पीने के बाद एकदम से बहक जाती है। अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, धर्मेंद्र और सावंत कुमार जैसे कई अभिनेताओं के साथ उनके करीबी संबंधों की बात कही जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सौंदर्य की प्रतिमा और अदाकारी के नैसर्गिक हुनर से लेब्रेज मीना इस अवस्था तक पहुंची कैसे? जवाब जानने के लिए हमें मीना कुमारी की जिंदगी का पूरा सफरनामा देखना होगा। वो अभिनेत्री थी, ट्रेजरी क्वीन नाम से मशहूर मीना कुमारी। इस वाक्य का जिक्र मानो की जीवनी लिखने वाले विनोद मेहता ने किया है। आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में मीना कुमारी की पूरी कहानी। साहेब बीवी और गुलाम के निर्देशक अबरार अली बताते थे कि कमाल शूटिंग के वक्त अपने करीबियों को मीना की जासूसी के लिए भेजते थे। ये बात मीना को काफी बुरी लगी और दोनों के रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ने लगे। वो खुद को नशे में डुबोने लगी। उनकी जिंदगी में खुलापन बढ़ गया। अपनी निजी जिंदगी के दुखों से परेशान मीना सहारे के लिए कंधा खोजने लगी। मीना के पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मंझे हुए कलाकार थे। पाकिस्तान में जन्मे अली बख्श बतौर संगीतकार अपनी तकदीर आजमाने मुंबई आए। उन्हें कुछ फिल्में भी मिली लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहे। खाने तक के लाले पड़ गए थे। इन्हीं हालत में 1 अगस्त 1933 को जन्मी महजबी बानो यानी कि मीना कुमारी अली बख्श की दूसरी बेटी थी। मीना मुफलिसी से परेशान अली बख्श को बेटे की चाह थी, इसीलिए वो नन्ही मीना को रात में अनाथालय के दरवाजे पर छोड़कर आ गए थे। लेकिन फिर उनका मन पसीजा और वो वापस लौटे अपनी बेटी को लाने। जहाँ देखा उन्होंने तो बच्ची के पूरे शरीर पर चींटियाँ काट रही थी। अली बख्श के अंदर का पिता जाग गया। उन्होंने चींटियों को झाड़ा और बेटी को कलेजे से लगा दिया। वक्त के साथ शरीर के घाव तो ठीक हो गए लेकिन बदकिस्मती के जख्मों ने आखिरी सांस तक मीना का पीछा न छोड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति इस कदर खराब थी कि मीना को बचपन से फिल्मों में काम करने के लिए भटकना पड़ा। वो पहली दफ़ा साल 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट के फिल्म लैदर फेस में नजर आई। बेबी महजबी के रूप में विजय ने ही बेबी महजबी को बेबी मीना नाम दे दिया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 13 साल की उम्र में मीना कुमारी बन गई। मीना ने शुरुआत में ज़्यादातर पौराणिक फिल्में ली लेकिन उन्हें असल पहचान मिली 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से। ये फिल्म 100 हफ्तों तक पर्दों पर रही। मीना का किरदार गौरी घर घर तक पहुंच गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। बैजू बावरा की कामयाबी को मीना ने 2 बीघा ज़मीन और परिणीता के साथ एक नए मुकाम पर पहुँचा दिया। वो बड़े पर्दे की ट्रेजेडी क्वीन बन गई। इसी दरमियान मीना कुमारी की मुलाकात हुई फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से। दोनों के बीच प्यार पनपा लेकिन मीना के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। फिर भी 19 साल की मीना ने उनकी मर्जी के खिलाफ कमाल से शादी कर ली। 34 साल के कमाल पहले से ही शादीशुदा थे। अली बख्श ने मीना से कहा कि अगर वो कमाल से तलाक नहीं लेंगी तो वो उन्हें घर में घुसने नहीं देंगे। आखिर में मीना ने पिता का घर छोड़ दिया और कमाल के घर रहने चली गई। मीना शादी के बाद भी फिल्मी करियर जारी रखना चाहती थी लेकिन कमाल ने इसकी इजाजत तो नहीं दी, लेकिन इस शर्त के साथ वो मेकअप रूम में अपने मेकअप आर्टिस्ट के अलावा किसी और पुरुष को नहीं बुलाएंगी। हर शाम 6:30 बजे तक घर लौट आएंगी, वो भी सिर्फ अपनी कार में। मीना ने सारी शर्तें मान ली लेकिन वक्त बीतने के साथ उन्हें तोड़ती भी गई। वो उन महिलाओं में नहीं थी जिन्हें बंधनों में कैद किया जा सके।
साहिब बीवी और गुलाम के निर्देशक अबरार अलवी बताते थे कि कमाल शूटिंग के वक्त अपने करीबियों को मीना की जासूसी के लिए भेजते थे। ये बात मीना को काफी बुरी लगी और दोनों के रिश्ते दिन पर दिन बिगड़ने लगे। वो खुद को नशे में डुबोने लगी, उनके जिंदगी में खुलापन बढ़ गया। अपनी निजी जिंदगी के दुखों से परेशान मीना सहारे के लिए कंधा खोजने लगी। कमाल नहीं बल्कि कहीं ना कहीं मीना की कामयाबी से असुरक्षित भी महसूस करते थे। इस रोज सिनेमा में एक प्रीमियर के दौरान मशहूर निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल से मिलवाया। सोहराब ने उन दोनों का परिचय कराते हुए कहा, ये मशहूर अदाकारा मीना कुमारी है और ये उनके पति हैं कमाल अमरोही। कमाल ने फौरन कहा, नहीं मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी है मशहूर अदाकारा मीना कुमारी। इतना कहकर कमाल वहां से चले गए। मीना ने अकेले ही प्रीमियर देखा। मीना को शादी के बाद शारीरिक शोषण का शिकार भी होना पड़ा। उनके साथ कई बार मारपीट हुई। हालांकि कमाल ने हमेशा इस तरह के आरोपों को खारिज किया, लेकिन मीना की जीवनी लिखने वाले विनोद मेहता बताते हैं कि उन्हें कई अलग अलग स्रोतों से मालूम हुआ है कि मीना सच में शारीरिक शोषण का शिकार थी। इसका जिक्र मशहूर अभिनेत्री और मीना की सहेली नरगिस ने भी किया था। नरगिस के मुताबिक ये वाक्या मैं चुप रहूंगी फिल्म की शूटिंग के वक्त का था। इसमें मीना के अपोजिट नरगिस के पति सुनील दत्त थे। आउटडोर शूटिंग के समय मीना और नरगिस का कमरा अगल बगल था। नरगिस का कहना था कि उन्होंने मीना के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी और इसकी तस्कीद सुबह मीना की सूजी आँखों ने भी की जो शायद रात भर रोई थी। इस तरह का एक और वाक्या हुआ फिल्म पिंजरे के पंछी के मुहूर्त पर। मीना ने प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को अपने मेकअप रूप में आने की इजाजत दे दी। इस पर कमाल के सहायक और जासूस बाकर अली ने मीना को थप्पड़ मार दिया। मीना ने फौरन इस बारे में कमाल को बताया और उनसे फिल्म के सेट पर आने को कहा, लेकिन कमाल को जैसे इस बारे में पता चला उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कमाल ने मीना से कहा कि वो शूटिंग के बाद घर आए ताकि तय किया जा सके कि आगे क्या करना है। इससे मीना के सब्र का बांध टूट गया। कमाल के साथ उनका रिश्ता पहले ही तनाव से भरा था। बाकर अली के थप्पड़ ने ताबूत में आखिरी कील वाला काम किया। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो कमाल के साथ नहीं रहेंगी। मीना फिल्म के सेट से सीधे अपनी बहन मधु के घर गई। जब कमाल उन्हें वापस लाने के लिए गए तो उन्होंने उनसे मिलने या बात करने से साफ मना कर दिया। फिर ना तो कमाल ने ना कभी मीना को वापस लाने की कोशिश की और ना ही मीना वापस लौटी। इतने दिनों से जो ज़बरदस्ती और विश्वास के साथ ये चल रहा था वो ख़त्म हो गया। इस रिश्ते के टूटने से मीना एकदम हताश हो गई। उन्होंने खुद को नशे में डुबो लिया। मीना और कमाल के रिश्तों की तलखी हमेशा बनी रही। यहाँ तक कि कमाल ने मीना के इंतकाल कुछ साल बाद तबस्सुम के मशहूर चार्ट शो फुल खिले हैं गुलशन गुलशन में शिरकत की। जब तबस्सुम ने उनसे मीना के बारे में पूछा तो उन्होंने मीना को एक अच्छी पत्नी नहीं बल्कि एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में याद किया। कमाल ने कहा, मीना काफी शानदार अभिनेत्री थी जो खुद के घर पर भी अभिनेत्री ही मानती थी। मीना की आखिरी फिल्म थी पक्की जा। इसमें निर्देशक उनके पति कमाल ही थे। मीना के ने कमाल को घर छोड़ने के बाद भी इस क्लासिक फिल्म की शूटिंग जारी रखी। बगीचा का प्रीमियर 3 फरवरी 1972 में मराठा मंदिर में हुआ। मीना प्रीमियर में कमाल के ठीक के बगल में बैठी और उन्होंने फिल्म देखकर अपने एक दोस्त से कहा, मैं मान गई हूँ कि मेरे शौहर एकदम मुझे एक फिल्म मेकर है। पकीजा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन पकीजा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद ही मीना की तबीयत बिगड़ने लगी। नशे की लत से चलते वो लीवर सिरोसिस का शिकार बन गई। उन्हें मुंबई के सेंट एलिजाबेथ अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन डॉक्टर अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मीना को दुख के पिंजरे से आज़ाद होने से रोक नहीं पाए। मीना ने 31 मार्च 1972 को अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र महज 38 साल थी। मीना को करीब से जानने वालों में से हर किसी का मानना था कि मौत मीना की जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा थी। उनके गुजरने के बाद नरगिस ने एक पत्रिका में लेख लिखा। उसका शीर्षक था, मीना मौत मुबारक हो। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की वो अभिनेत्री थी जिनका फिल्मों से जितना रिश्ता रहा उससे कहीं ज्यादा दर्द से। उनकी जिंदगी में इतना दर्द था कि उन्हें फिल्मों में रोने के लिए कभी ना तो ग्लिसरीन का सहारा लेने की जरूरत पड़ी ना पानी की।
उनकी आंखों से निकले आंसू असली होते थे। अपनी जिंदगी में भरपूर दौलत शोहरत कमाने वाली मीना कुमारी को गुजरे 51 साल हो गए। महज 19 साल में अपने से दोगुने उम्र के कमाल अमरोही से शादी, जो पहले से ही दो शादियां कर चुके थे। जब अभिनेत्री के पिता को इस सीक्रेट शादी का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मीना कुमारी तब इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में शुमार थी जिनकी फैन मधुबाला भी थी और दिलीप कुमार भी। लेकिन रानी की जिंदगी जीने वाली मीना की 38 साल की जिंदगी बेहद दर्दनाक रही। मीना का जन्म एक बेटे की चाह रखने वाली अली बख्श के घर 1 अगस्त 1933 को हुआ था। तंगहाली से परेशान और निराश अली बख्श बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ा है, लेकिन पत्नी इकबाल बेगम ने समझाया तो दिल पिघल गया और बेटी को घर वापस ले आया और नाम दिया महज भी। वहीं कमाल से शादी के बाद जब पिता ने घर से निकाल दिया तो मीना पति के पास पहुंची तो पति ने भी साथ रखने के लिए कोई शर्त रख दी। मीना ने कमाल अमरोही के साथ के लिए हर शर्त मान ली। अमरोही ने मीना को साथ रहने के लिए कई शर्तें रखी, जिनमें दूसरे डायरेक्टर के साथ फिल्म साइन न करना, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनना, शाम 6 बजे से पहले घर आना और मेकअप रूम में किसी मर्द का ना होना। जी हाँ, उन्हें भी नहीं पता था कि थमीना ने शादी के बाद कई मुश्किलों का सामना किया, यहाँ तक कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाई। जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद वो 2 बार और प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, वो भी पति को बिना बताए। कमाल को जब ये पता चला तो उन्होंने मीरा को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पति के मारपीट से सहमी मीना कुमारी एक बार जब साहेब बीवी और गुलाम के सेट पर लेट हुई तो वो डर के मारे सेट पर ही रोने लगी। शूटिंग तब भी हुई लेकिन वो लगातार रोती ही रही। पति के जुल्म से परेशान मीना कुमारी 1972 में पति कमाल अमरोही से अलग हो गई, लेकिन इससे वो इतनी परेशान रहने लगी कि वो डिप्रेशन में चली गई और बीमार रहने लगी। लेकिन अपनी बीमारी के बाद भी उन्होंने पकीजा की शूटिंग पूरी की। इस दौरान उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें सेट से अस्पताल ले जाना पड़ा। कमाल जानते थे कि शराब के चलते मीना की तबीयत बिगड़ी है। कमाल जब एक दिन घर पहुंचे तो बाथरूम में देखा कि डिटॉल की बोतल में शराब भरी हुई है। 28 मार्च को मीना को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 31 मार्च 1972 को उनकी मौत हो गई। और अभिनेत्री के निधन के बाद उनकी फिल्म पकीजा रिलीज हुई, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मीना बचपन से ही अभिनय करती आ रही थी, जिसके कारण उनकी लिए लाइट और कैमरे से दूर रहना नामुमकिन था। लेकिन जब वो मौत के कगार पर पहुंची तो उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोसने लगी थी। फिल्म और करियर को लेकर मीना की किस्मत जितनी अच्छी थी, उनकी असल ज़िंदगी उतनी ही तूफानों से भरी थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने दुख देखे कि उन्होंने ट्रेजिडी क्वीन भी कहा जाने लगा। जहां बचपन में मीना का कोई सुख नहीं मिला, वहीं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी सुखी नहीं रही। एक साथ काम करते हुए कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और शादी कर बैठे। बताते चले कि हालांकि तलाक के बाद भी मीना कमाल के फिल्मों में काम करती रही। मीना कुमारी ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीती थी और इतनी ज़्यादा कि वो शराब की लत में डूब चुकी थी। ज़्यादा शराब पीने के कारण उनकी हालत ख़राब होती गई और वो गंभीर बीमारी के शिकार हो गई। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में जब वो अकेली थी तब उन्हें गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने कमाल से माफ़ी मांगी। कमाल ने उन्हें माफ़ कर दिया और उसके बाद उनकी फिल्म रिलीज़ हुई पकीजा, जिसकी उन्होंने शूटिंग पूरी की थी। लेकिन फिल्म की रिलीज़ के बाद ही वो लीवर सिरोसिस बीमारी की शिकार हो गई थी और दवाई की जगह शराब पीने लगी। आखिरकार 31 मार्च 1972 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक साथ काम करते हुए कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन कमाल पहले से ही शादीशुदा थे, इसीलिए उन्होंने चोरी छिपे मीना से निकाह किया। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कमाल को मीना का देर रात तक काम करना पसंद नहीं था, साथ ही वो उन पर रोक टोक भी लगाते थे। इंटरव्यू के दौरान कमाल के बेटे ताजदार कमाल की पहली पत्नी से हुए बेटे ने खुलासा किया था कि उन्होंने मीना के सामने शादी की कई शर्तें रखी थी, जैसे वो 6 बजे से पहले घर लौट आए, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकती, किसी को स्टार के साथ बाहर नहीं जाएंगी और ना ही कोई नई फिल्म साइन करेंगी। कमाल की लगाई गई पाबंदियों के कारण मीना को उनकी जिंदगी कैद जैसी लगने लगी। लोग उन्हें पिंजरे का पंछी भी कहने लगे, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई। लेकिन कमाल ने इस शर्त पर उन्हें काम करने दिया कि उनके फिल्म की सारी स्क्रिप्ट पहले वो खुद पढ़ेंगे। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार एक रोज दोनों तलाक के बाद अलग।
हालांकि तलाक के बाद भी मीना कमाल की फिल्मों में काम करती रही। मीना कुमारी को शराब पीने की लत लग चुकी थी। ज्यादा शराब पीने के कारण उनकी हालत खराब होती गई और वो गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। कहा यह जाता है कि आखिरी दिनों में जब वो अकेले थी तब उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कमाल से माफी मांगी थी। कमाल ने भी उन्हें माफ कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पखीजा फिल्म की शूटिंग पूरी की। लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद ही वो लीवर सिरोसिस बीमारी का शिकार हो गई और दवाई की जगह उन्होंने शराब पीने लगा। आखिरकार 31 मार्च 1972 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वैसे आपको मीना कुमारी की ये पूरी जीवनी सुन के कैसा लगा और आप इससे क्या प्रेरित हुए या आपको इनके बारे में क्या लगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहें एक्सएल लाइव।